तो एक उसको दे देते हैं पहले, ऑयल का डब्बा ये ले, यही चाहिए था ना तेरे को। हाँ भाई साहब, और भाई साहब इसने तो पी गया साला का, वहाँ कोई जगह जाके उल्टी डकाल ले रहा है यार ये तो। अच्छा और हमें प्राप्त होगा चाहिए इसमें से ले। ओ भाई साहब ये तो काटने को दौड़ रहा है यार साला, फूल भी काटते हैं यहाँ पर, फूल काट रहा है हमको। चलो चलते हैं इसको। वो भाई साहब इसने स्प्रे मारा और यहाँ पर कुछ लाल ला वो नीला नीला कुछ निकल रहा है इसका। यो व्हाट्सअप गर्ल्स एंड बॉयज़, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू द प्ले वीडियोस। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द बेबीज येलो, तो इसका तीसरा पार्ट आ चुका है, तो हम तीसरा पार्ट खेलेंगे आज। तो चलते हैं भाई साहब, यहाँ से गेट जा रही है, ठीक है, हमारी लिफ्ट अभी बंद हो चुकी है। तो गेट कहाँ गई भाई साहब, बहुत स्लो जा रही थी इधर से गेट, बहुत अभी स्पीड में हिट चुकी है। तो भाई साहब ये हमारा घर है, जहाँ पर वो हमारा जो भाई है वो ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो करता रहता है, जैसे लिफ्ट को हलाना और भूकंप भूकंप लाना, ऐसी छोटी मोटी गण वाली हरकत वो करते रहता है, ठीक है। तो हमें इनको सबको छोड़ के यहाँ पर चलना चाहिए, हमारा टास्क पूरा करना चाहिए। फॉलो द बैक कैट, भाई साहब कैट किधर गई, ठीक है हम फॉलो करते हैं वैसे कैट को, चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई लोग हमें एक ब्लैक कैट को फॉलो करना है जो इधर गई है, उसके पंजे यहाँ पर बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से वो इधर गई होगी। तो हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर चढ़ के सीढ़ी चढ़ के आ चुके हैं। भाई साहब वो बैठी है वो कैट, और यहाँ पर क्या कर रही है भाई साहब की कैट, क्या कर रही है यहाँ पर। ओ भाई साहब उसकी आँखें देखिए आप, नहीं भाई लोग उसके अंदर घुस चुकी है और वो उसकी तस्वीर के अंदर जा चुकी है अब कैट। पर क्या हो रहा है भाई साहब, भाई लोग यहाँ पर कुछ हो रहा है, अलग सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। नहीं नहीं मैं खिंचा के इसके अंदर जा रहा हूँ, नहीं वो बच्चा भी आ चुका है यहाँ पर मेरा भाई। पर भाई साहब हम यहाँ से जा चुके हैं पता नहीं कहाँ पर वो। तो भाई लोग हम एक नई दुनिया जा चुके हैं। फॉलो द ब्लैक कैट, हमें अभी कैट को फॉलो ही करना है, वैसे चलते हैं उसके पास धीरे धीरे, पता चलते हैं क्या करना है इसके। तो भाई लोग मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही उसके पास जाने की, पर चलते हैं। वैसे हम मैं अभी नाइट में गेम खेल रहा हूँ, ये हम 10-11 के समथिंग टाइम हो रहा है अभी, हाँ 11th हो रहा है करेक्ट, 11 बज रही है अभी। तो भाई लोग वो कैट किधर गई, तो भाई लोग ओ भाई साहब, तो हम यहाँ पर से कोई दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और पता नहीं चल रहा, कैट अभी भी वापस गायब हो चुकी है मेरे पास से। हम कुछ नई जगह पे आ चुके हैं। ओ भाई साहब देखो बच्चा भी वहीं पर दिख रहा है हमारा छोटा भाला भाई, पर इसी गेम का विलन या फिर भूत कह सकते हैं, गोस्ट कह सकते हो, वो यही है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, पता नहीं हमें क्या करना है अभी। फॉलो द ब्लैक कैट, तो भाई लोग हमें अभी भी ब्लैक कैट को ही फॉलो करना है, पता नहीं वो किधर गई है। यहाँ पर एक बुक मिली है हमें, इस बुक का किधर ना कुछ यूज़ होने वाला है क्या, इस पर दो कुछ मंत्र अंत्र लिखे हुए। ओ भाई साहब ये बैठी है कैट, और यहाँ पर मुझे लगता है बुक लगानी है 3, तो ये इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, तो भाई लोग इसको यहाँ पर लगाना है। इसमें 5 लिखा हुआ है, तो 4 और 5 यहाँ पर इसको लगाना है। और हमें एक बुक और ढूंढनी है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर काफ़ी मशीन भी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की है, तो हम इनको भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पर मुझे अभी एक और बुक ढूंढनी है, तो वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, तो उसी को ढूंढने की पूरी कोशिश चल रही है मेरी यहाँ पर कुछ। भाई साहब बुक गई तो गई कहाँ, भाई साहब ये रही एक बुक, ये शायद हमारे काम आ सकती है, तो इसको लेकर चलते हैं। इसमें क्या, इसमें 3 बने हुए हैं, इसमें 2, इसमें 3, भाई लाख लाख खुल चुका है, ये पहले सॉल्व हो चुकी है, पर कैट यहाँ से भाग चुकी है पता नहीं किधर। तो हमें इस दान कुछ और करना है, इन्वेंट इन द बैक रूम, हमें कोई रूम में जाना है, पर इस कोयले को इसमें पटकना होगा पहले ना, फीड मतलब खिलाना भाई सब। ओ हम इसको इसमें डाल रहे हैं ना, तो ये मशीन कांटा तेज़ हो रहा है, अब मुझे पता नहीं इसकी क्यों हो रहा है, पर ये तेज़ होता जा रहा है जितना बार बार। तो भाई लोग यहाँ पर है ना, ये कांटा है ना ऑटोमेटिक पूरा फुल हो चुका है, और यहाँ पर धमाका हो चुका है और उससे गेट खुल चुका है भाई लोग। तो मैं यही सोच रहा था, पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, इसको हम जितना खिलाते हैं ना उतना ये मतलब गर्म होता जाता है, पर इसको अगर हम खिलाना बंद ही ना करें तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है यार, हम कुछ लैंप वेप में आए हैं तो ये करना तो बनता है। तो हम इसको कोयला खिलाते जा रहे हैं भाई साहब, बहुत तेज़ मशीन वाइब्रेट हो रही है, और मैंने इस दान लॉक भी नहीं खोला, सब ऑटोमेटिक हो गई है। तो अच्छा मैंने इस दान खोल दिया था है ना,
मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था शायद, इसलिए वो खुल गया। तो इस दान हम नहीं खोलेंगे उसको, हम इतना ज़्यादा इसको गर्म करने वाले हैं ना इस दान तो, कि ये फूट जाए, और फूटने के बाद हमें पता चलने वाला है कि इससे क्या होता है ज़्यादा ओवरलोड देने पर। तो भाई लोग इसमें काफ़ी ओवरलोड दे चुका हूँ मैं, काफ़ी कोयला दे चुका हूँ, पर ये कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें कांटा ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है, वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो चुकी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हम यहाँ से चलते हैं, वैसे तो फालतू काम के लिए अभी टाइम नहीं है, तो चलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब वो खाली हो गया, मेरे को तो लग रहा था खाली नहीं होगा, पर पता नहीं कैसे करके वो हिट गई। तो चलते हैं आगे की तरफ, हमें अभी एक्सपेरेंट द गेट, पता नहीं भाई साहब हम क्या करना है, बिला बिला लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ रूम बना हुआ है जिसकी चाबी हमारे पास अभी नहीं है, पर हो सकता है आगे मिल जाए। भाई साहब कर इतना डरा यार, इधर कहाँ से निकली केट, कहाँ से निकली मुझे पता नहीं है ये केट कहाँ से निकली, पर भाई साहब उसने बहुत डराया, एकदम से धक धक करने लगा मेरा दिल। तो फाइनली यहाँ पर से एक गेट खुला हुआ है, इसमें भाई साहब कितना भूकंप आया, इतनी रेत कहाँ से आई भाई साहब यहाँ पर, यार इतनी रेत कहाँ से आ रही है। चलो भाई साहब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे को लगता है गेट हुए लगे हुए हैं, तो चलते हैं जल्दी से, कुछ ना कुछ गेट में कुछ ना कुछ सामान हमें मिलने वाला है। और ये आवाज़ की वजह से आ रही है मेरे को, यहाँ पर कुछ गेट वेट खुला है। देख भाई साहब इतना घूम फिर के मैं एक ही जगह आ गया हूँ, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है यहाँ पर तो। पर मैं अंदर क्यों से जाऊँ, मैं अब अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा मेरे को, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं, थोड़ा ग्लिच सिस्टम है यहाँ पर, गेम डेवलपर ने यहाँ पर कुछ कमी रख दी है मेरे हिसाब से, तो हम ग्लिच हो रहे थे वहाँ पर बार बार। कोई मतलब वाली बात नहीं है, रेडियो चलाते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा ये फालतू बात चल रही है भाई साहब, यहाँ पर बैटरी देखे हो आपने, बैटरी कितनी साइन मार रही है, मतलब बार बार लुप चुप क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। बैटरी चार्ज हो के लायक इसने यहाँ पर, मुझे समझ समझ में नहीं आ रहा। तो बंद हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा तूने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तेरी बात वैसे। यहाँ पर भाई साहब यहीं पर बिल्ली भी है, ये बिल्ली क्या कर रही है वो भाई साहब, ये रोबोट, ओ इसकी है बैटरी वेटरी है ना, इसमें धुआं हिट चुका है, और शायद इसके नीचे कुछ वायरिंग जो है टूट चुकी है, मुझे इसका शायद रिपेयर करना है। तो हमें इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पता नहीं है। यहाँ पर एक बैटरी पड़ी हुई है, इसको लेके चलते हैं पहले। तो मैं बैटरी लेने ही आया था यहाँ पर, शायद हो सकता है बैटरी लगाने के बाद कुछ उसमें उम्मीद जागे, मतलब कि वो हो सकता है चालू हो जाए, तो हम इसमें बैटरी लगाते हैं हमारी वाली नई कैपेसिटी की बैटरी। ओ भाई साहब ये जिंदा हो चुका है, मतलब पहले तो इसकी आँखें तक नहीं खुल रही थी, पर अब इसकी आँखें खुलने लगी है। तो हमें इसे उठा के ले आना है और रिपेयर करना है। इसमें क्या रिपेयर करेंगे भाई हम, वो इसके नीचे का पार्ट रिपेयर करना है हमको, और भी कुछ करना है रिपेयर, वो हम बाद में करेंगे। पहले इसको लेके चलते हैं, कहाँ पर लेके चलना है, ऊपर लेके चलना है हमको इसे, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, कि ऊपर की तरफ है ना बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, मुझे पता नहीं था अभी मेरे, मतलब पहले ही पता था मेरे को, पर मैं यहाँ पर नीचे भी कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पर। भाई साहब क्लिक करने का आ रहा है यार, क्या करूँ क्यों नहीं करूँ मुझे लग, ओ भाई साहब ये इसी में लगने वाला था, मेरे को पता ही नहीं था यार। भाई साहब इस रोबोट की पूरी आंखें खुल चुकी है अब, लोगों को बता रहा है किसी चीज़ की। तो भाई साहब ओ इसकी बैटरी डेड है, तो हमें यहाँ पर है ना जब डंडे पे क्लिक करेंगे ना तो हम बैटरी चार्ज होगी इसकी, मुझे तो पता ही नहीं था यार। ये क्लिक किया, अब दो तो आ चुके हैं, ये क्लिक किया भाई साहब इसको कुछ मतलब अंतर भी पड़ रहा है, तो हमें ना आराम आराम से करना पड़ेगा इस दान। ये क्लिक किया, ये डबल से नहीं करेंगे, हमें एक चक्कर घूमने देंगे फिर क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया अब है ना एकदम चक्कर घूमेगा फिर क्लिक करेंगे। भाई साहब दो बैटरी चार्ज हो चुकी, तीसरी बची है, तीसरी को हमने आराम से करना है ठीक है, क्योंकि इसमें ना इसने पतली वाली शरीर देती चाहिए, तो हमें काफ़ी आराम से करना पड़ेगा। तो भाई लोग काफ़ी मेहनत के बाद आखिर ये हो ही गया, इसकी मतलब काफ़ी छोटी छोटी भी आ रही थी, पर मैंने कर दिया इसको कंप्लीट। तो चलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब ये क्या कर रहा है, ये रोबोट कर क्या रहा आखिर ये, तो भाई साहब हैंडसेट कर रहा है हमको हैंडसेक। तो ये भाई साहब इसने कुछ हिकाला मुँह से, मतलब हमसे ये बात नहीं कर सकता, पर इसने कुछ हिकाला है हमको, कुछ दिया है इसमें, इस तेल के बारे में वर्णन कर रहा है कुछ, ये तेल तो नहीं लेनी चाहिए इसको, इसने गर्दन हिला के मना कर दिया। भाई लोग इसमें इतना दिमाग है,
कि हम कह नहीं सकते हमें अरे ये बाद में काम आने वाला है, वो लिफ्ट को सुधारने में काम आ सकता है ये। तो यही वो तेल है जिसकी वो बात कर रहा था, तो हम इसको लेके चलते हैं, इसको पिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सब एक ही बाटल फेंक मत। तो भाई सब मैंने इसको दे दिया है और ये काफ़ी खुश है और मुझे दिल भेज रहा है, तो थैंक यू ब्रो। और जिन्होंने भाई सब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और ये क्या हो रहा है, सभी गिर गया यार झटके, पता नहीं क्यों, शायद इसके नीचे वाली डोरियों में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई लोग यहाँ से अपने वो बेबी की पिक्चर दिख रही, पर वो करीब आ चुका है इस दान काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतनी करीब आ जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लगाते हैं। एक नया डोर ओपन हो चुका है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर करना क्या है। तो भाई लोग हमें आगे जाके पता चलने वाला है कि यहाँ पर करना क्या है हमें, तो चलते हैं जल्दी से आगे की तरफ। तो चलते हैं, यहाँ पर एक नया डोर और एक और ओपन हो चुका है और हमें चिराग मिल चुका है भाई लोग। तो यहाँ पर हमें चिराग मिल चुका है, अब हम इस चिराग से एक जिन मतलब घीस के एक जिन निकालेंगे और जिन से फिर हमें तीन वरदान प्राप्त रहेंगे। तो चलते हैं जल्दी से आगे और पता चल करते हैं इसको घीसते कैसे हैं। अभी मुझे को पता नहीं है इसको घीसते कैसे हैं। ए भाई साहब तू चिराग है, तू गिर मत, ये चिराग जैसा लग तो नहीं रहा है, बस सोने की परत लगी हुई है इस पर, पता नहीं है क्या काम आने वाला है मेरे, पर ले चलते हैं इसको, फिर भी कुछ ना किसी काम तो ये आने वाला है, तो लेके चलते हैं जल्दी से इसको। यहाँ पर कुछ काम ये क्या रखे हुए भाई लोग, मुझे पता नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन्होंने भाई साहब लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार। तो भाई लोग ये चिराग इनका बस इतना ही काम था, यहाँ पर गेट के नीचे लगाना। और यहाँ पर कुछ साउंड आउंड आ रहा था, इसको बोल के देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ब्ला 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 कर रहा है भाई लोग, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हैमर पड़े हुए बुक है, मेरे को लगता है इसको यहाँ पर से निकाल लेना चाहिए अब, क्योंकि इसी के लिए इसको मैं कल करना था हमें, मतलब वो गेट बार बार बंद हो रहा था ना, गेट बार बार बंद हो जाता था, इससे हम इसको अंदर नहीं ले पा रहे थे। अब इसको है ना हम अंदर ले पाएंगे हाथ में रखकर, और यहाँ पर शायद इसका कंपोनेंट है जो इसके नीचे लगने वाला है, यही तो हमने करना है। ऑफर न्यू वर्क टेम, हाँ भाई साहब इसका पार्ट लगाना है नीचे का। भाई साहब ये मना कर रहा है, ऐसा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा फिर, तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये कैसे लगेगा। एक और रूम है यहाँ पर, इसको भी अनलॉक करते हैं, पर यहाँ पर कोई काम की चीज़ नहीं नज़र आ रही है मेरे को, बस एक कुछ टूल्स हैं और ये पका पका वो रेडियो है जो कोई काम का नहीं है। भाई साहब ये बंद ही नहीं हो रहा यार, मेरे पास कान तक आवाज़ जा रही है, मेरे को लग रहा था वहीं तक कमरे में सुनाई देगी, पर कुछ अलग है यहाँ पर। ओ भाई साहब यहाँ पर एक और वो लग चुका है, और स्लीपर को मैं यूँ खींचूँगा और वो ऐसे गिरेगा, ऐसा है क्या, पता नहीं मेरे को, शायद उसको यहीं पर आग लगाना है हमको, हमारे रोबोट को। तो रोबोट हमने किधर पटक दिया भाई साहब, हमारा रोबोट किधर गया। तो भाई लोग मैं भूल गया, रोबोट मैंने शायद यहीं पर छोड़ा था। और भाई लोग जिन जो भी आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, उसको इग्नोर कीजिए प्लीज़, और हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कम करने की, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से इसको लेके और हमारा टास्क कंप्लीट करते हैं, इसको मतलब चिपका कर, ये हमने लगाया और इस लीवर को हमें बस खींचना है। और ये भाई साहब ये कैसा टेक्नोलॉजी भाई साहब, ऐसा लगता है क्या उसमें ना पिन है ना कुछ है, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया यार, इससे तो बैटरी डिस हो जाएगी जल्दी, पर ये कहाँ गया। लेट्स गो, वेट डिड द गो, कहाँ गो भाई साहब, तू तो भाग गया साला, और हमको गो कह रहा है, उसको साले को हमने जोड़ा और वो भाग गया, ये कोई मतलब होता है यार। अब इतनी देर उसके लिए परेशान हुई है, पर ये भूकंप आ रहा है भाई लोग, मैं चल तक नहीं पा रहा था यार वहाँ पर, इतना कसूता भूकंप कोई लाता है भला। ओ भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो तुम, पूरी दीवार गिर चुकी है, मतलब एक कमरा था ना पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। अब हमें ये लिफ्ट के जरिए आगे जाना होगा। तो भाई साहब तू यहाँ पर आ गया, ओ ये अच्छा ये लिफ्ट सुधारेगा, अच्छा अच्छा हमको इसके पाना आना देना है कुछ, तो इस नंबर का पाना ढूंढना है हमको, किस नंबर का पता नहीं, पर हमें इस पाना देना है एक, जो शायद मैंने अभी कहीं देखा था यहीं पर होगा, इतने सारे सामान तो यहाँ पर रखे हुए हैं, पाना भी होगा, ये देखो हैमर रखी हुई है यहाँ पर, तो पाना भी जरूर से कहीं ना कहीं होगा। ये टेस्टर रखा हुआ है, और कहाँ हो सकता है भाई साहब पाना, यहाँ पर कुछ डोर है इसमें तो नहीं है, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे इतने सारे मिल नहीं रहा है वो। भाई साहब ये बच्चा कितना पास हो चुका है, ये कि मेरे भाई है कसा ये चिनाल का। तो चलते हैं आगे इसको लेके, इस टूल को लेके चलते हैं, इसको देते हैं, ये सामने ही रखा साला, बता भी नहीं रहा यार इसके
उसके सामने था फिर भी नहीं बता रहा यार, ऐसा कोई बात होता है किस काम करो वो, पर वो बोल नहीं सकता भाई, इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको कसी उबार नहीं दे सकते। पर भाई ये कैसा सुधार रहा है यार, देखो सीटी बजा बजा सुधार रहा है। अब क्या चाहिए बेटा तेरे को? ऑयल का डब्बा, वो तो मैंने अभी देखा था, किधर गया? यहीं पर पड़ा था ना एक ऑयल का डब्बा, शायद मुझे लेके आना पड़ेगा यहाँ पर से ऊपर, ये रखे तो एक उसको दे देते हैं पहले ऑयल का डब्बा, ये ले, यही चाहिए था ना तेरे को? हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब इसने तो पी गया साला का, वहाँ कोई जगह जाके उल्टी डकाल ले रहा है यार। तो भाई लोग इसको अब क्या चाहिए, इसको चाहिए एक हेमर, और हेमर की ठिकाना था हमें वैसे आसानी से, हेमर यहीं पर साइड में रखी हुई थी, हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। अब शायद ये जल्दी सुधार दे यार, कितना सारा सामान लेगा यार, इतना तो लिफ्ट सुधारने में लगता है क्या? पुरानी लिफ्ट है बस चल रही है, बस मतलब चलू नहीं है पर काम तो करती है वो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो, ज़्यादा दिन से बंद नहीं है वैसे वो कुछ फसस। ओ भाई साहब उसने लिफ्ट सुधार के लिए आया यार, मैं चलता हूँ जल्दी से अंदर, मेरे को लग नहीं रहा था कोई इतनी जल्दी लिफ्ट सुधार देगा, पर वो गया कहाँ? लिफ्ट के नीचे तो नहीं आ गया? नहीं तो पता चले लिफ्ट के नीचे काम तमाम, इतनी मेहनत कई घाड़ में, वो हमारे साथ रहे ना तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। भाई साहब मेरे को लगता बच्चा बाहर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, बच्चे तेरी माँ का ढेर तेरी। ठीक है चलते हैं आगे। तो भाई लोग हम आगे आ चुके हैं, लिफ्ट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर ये रोबोट, भाई साहब तू यहाँ पर आ गया? अच्छा ये ऊपर ही था, हम नीचे थे, यहाँ पर ये गेट खोलना है हमको, तो भाई साहब हमें पता है। अच्छा इसमें लगा, भाई साहब वो सब कुछ बता रहा है यार हमको, क्या करना है क्या नहीं, इसको घुमाने से क्या होता है बस। यहाँ पर हरा बटन ऑन हो चुका है, इसको हम ओपन कर देते हैं जल्दी से। अच्छा भाई साहब ये तो हीट भी आता है यार उसकी मन से ही, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी। अच्छा ये पोस्टर बता रहा है हमको, ये करना है क्या करना है वैसे हमें? अच्छा पहले पोस्टर तो देखने पूरा वाला, एक फूल है जिसमें से ये स्प्रे डालेगा जिसमें से लाल वाला वो निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, और हमें प्राप्त होगा। अच्छा ये इसमें से ले, ओ भाई साहब ये तो काटने को दौड़ रहा है यार साला, फूल भी काटते हैं यहाँ पर, फूल काट रहा है हमको। चलो चलते हैं इसको, ओ भाई साहब इसने स्प्रे मारा और यहाँ पर कुछ लाल ये बॉल निकली है, हमने इससे ले ली है, इसको यहाँ पर इसमें रखना है, ये रख दिया, और क्या करना है अब, लीवर खींचना है। ओ भाई साहब ये देख रहे हो आप कितना ख़तरनाक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं हम, इससे किसी की मृत्यु कर सकते हैं, मतलब मृत्यु नहीं, उस बच्चे को पिलाना है हमको जिससे वो सुधर जाएगा, मतलब उसमें ना जो भूत की आत्मा है ना वो हीट जाएगी। तो इस लीवर को ऑन करना है हमको अब, इसमें से नीचे से फॉर्मूला निकलेगा और नीचे से फॉर्मूला निकल के इसमें जाएगा और यहाँ पर आएगा, और हमें बस ये बोतल के लेनी है और उसको पिलाना है। ठीक है तो जल्दी से ले लेते हैं ये बोतल, सब ये फूट रही है अभी, अच्छा फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ था, अब हो चुका है, पर वो बच्चा आ चुका है मेरे को लग रहा है, क्योंकि भूकंप जब भी आता है ना वो बच्चा ज़रूर आता है, पता नहीं क्यों भाई सब वो आ रहा है। नहीं 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 हम सारे छुप गए भाई लोग, नहीं तो बच्चा हमें मार देता। ये साला हंस रहा है यहाँ पर, इतना कसूती एंट्री मारी भाई इसने डराने वाली, और यहाँ पर बैठ गया आके, रुक जा बच्चे तेरी माँ का, कहाँ जा रहा है भाई साहब ये, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई चिपकने आने वाली, मतलब मैग्नेट फील आ गई इसमें, ये सब कुछ चीज़ इसमें चिपका रहा है। पर ये लाया कहाँ से, ये चाबी दे पहले मेरे को, ये चाबी में देखो ये ताले खोलना पड़ेगा मेरे को, कुछ ना कुछ तो इसने छुपा के रखा इन तालों में। यहाँ पर एक ग्रिक लीवर दिख रहा है मेरे को, और तो कुछ उठाने वाली सामान दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक डोर है जिसे मैंने ओपन किया, पर वो कुछ पता नहीं रहा है, किसी काम का नहीं मेरे हिसाब से, तो अभी आएंगे इसमें बाद में, जब तक इस लीवर को लगाते हैं, पता नहीं लीवर कहाँ लगे, ये ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर। ओ यहाँ पर मैंने देखा था यहाँ पर एक लीवर नहीं है, हमें लीवर का इस्तेमाल क्यों करना है? पर इसको घुमाया और किसको डालना है, इसके अंदर डालना है क्या किसी को, क्यों डालना है? पर अच्छा इसको इसमें डालेंगे है ना, ये डाल दिया, ये गया अंदर और यहाँ से वापस आ जाएगा। पर क्यों भाई साहब बिल्ली बैठी, ओ वहाँ पर एक की रखी हुई है उसको लेने के लिए। तो भाई बच्चे तो तेरी माँ का ढेर तू लेके आता ना वहाँ से, लेके क्यों नहीं आया तू? ओ हो अब मुझे समझ में आया, इसको है ना अभी हम ये बॉटर पिलाएंगे ना तो इसके अंदर मैग्नेटेड फील आएगी। ये देखो इसमें लिखा हुआ है मैग्नेट वाला, मतलब बना हुआ है बोतल में, अब ये मैग्नेट आ चुकी है इसके अंदर, इसको है ना हमको वहाँ पर ला कर लहलिस लगाना है और बिल घुमाना है। छोड़ भाई साहब ऊपर मत जा, ऊपर मत जा भाई साहब, इसकी मैग्नेट फील ख़त्म हो जाएगी अब तक, ख़त्म यार, क्योंकि हमें डबल से बॉटल पिलानी पड़ेगी यार, अब लेके आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ख़त्म सब। वो डबल से आ गया यार, उसने कुछ भी लेके आया,
ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है अब क्या करना है। एक बोतल लो, इसमें मैग्नेट फील आई, इसको यूँ पिलाया, इसको यूँ उठाया और छल्ली से लीवर घुमाया। किधर गया भाई लीवर? लीवर घूम जाता है यार ये। इसको यहाँ पर नीचे छोड़ा। अब जा बेटे, अब जा तू, अब सब चीज़ लेके ही आना। थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैग्नेट फील जाती है, देखो अब ये ज़रूर चाबी लेके आएगा। वो देख, वो लेके आया इसने चाबी। भाई साहब तू काम का बंदा तो होते है, मतलब ये हमारा भाई है वैसे, पर साला भूतिया हरकत कर रहा है अभी। इसकी भूतिया हरकतों से आवाज़ नहीं आएगा। वैसे हम एक नए रूम में आ चुके हैं वैसे, तो भाई लोग हम एक नए रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर वापस इसको उठा के ले आना है, इसको ये बहुत परेशान कर रहा है हमको। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़ना बेटे, हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं आता। कीप दॉब ब्ला ब्ला, भाई साहब हमें कुछ नहीं पढ़ा। उस पेज में हनी क्या क्या लिखा हुआ था ब्ला ब्ला, तो मैंने उसको छोड़ के कमरे में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने पहले लूट छोड़ दी थी थोड़ी बहुत, शायद पड़ी होगी। तो ये खेड़ कमरा खोलते हम, गेट तो हमें नहीं मिल रही अभी वैसे, पर कमरा हमने खोल दिया है। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा यार मेरे को, साला अंधेरा है रे यहाँ पर, तो कुछ दिख काम की चीज़ नहीं। यहाँ पर बोतल रखी हुई है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। इस कमरे में देख लेते हैं एक बार कुछ हो तो। यहाँ पर भाई साहब यहीं पर तो है, यहाँ पर कुछ बुक मिली है मेरे हिसाब से। यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है और वहाँ पर लॉक है शायद। हाँ यहाँ तक मेरे को लग रहा है, इसको उठाना है, यहाँ पर लगाना है और क्या करना है फिर भाई लोग मेरे को लग, ये हिट गया भाई साहब। क्या करना क्या है यार, यहाँ पर मैं लगा तो रहा हूँ इसको। यहाँ पर कुछ स्विच ये रहा भाई साहब, यहाँ स्विच है एक, हरा कर दिया इसको। अब ये हिट गया, अरे साले तू इसमें लगा रहे यार, जरा तो इंतजार कर। इसको बंद करना है ना, नहीं इसको ऑन करना है शायद, और फिर इसको लगाना है। हाँ तो इससे क्या होगा, चल लेटर चल लो गई हमारी। ओ यहाँ पर ये देखो, ये जहाँ जहाँ की जगह ये बना हुआ है ना सिंपल, यहाँ पर हमको रोकना है। रुको जरा तू यहाँ पर रुक, वो सीढ़ी रुक चुकी है अब। हाँ रुक जा यहीं पर रुक, हम कमरे तक पहुँचेंगे अब आराम से बिना कोई आवश्यकता के। नहीं 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 पहले यहाँ पर, ठीक है। हाँ लग चुकी है अब सीढ़ी। अब ये बच्चा क्या कर रहा है भाई साहब, ये अंदर था अब यहाँ पर आ चुका है, बहुत परेशान करके रखा है इसने। तो यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला है, एक कोड मिला है चोकोर, पर पता नहीं क्यों मिला है वो हमें। शायद हमें चार भेले करना है, जब हम उस गेट को खोल पाएंगे। वहाँ पर देखो कोड बने हुए हैं, तो हमें वापस लेटर को चलूँ करना पड़ेगा और वापस से इसको घुमा के कुछ ऐसे पोजिशन में यहाँ पर कोने में लाना है। भाई साहब ये बच्चे को देख रहा है तुम, इतनी मस्ती कर रहा है साला, हमारे रोबोट के ऊपर वो फेंक रहा है। साले तेरे को बताता हूँ, रुक जा मैं तेरे अंदर सारी भूतिया शक्ति हर दूंगा मैं आज। रुक तो सारी तू, भाई साहब कहाँ जा रहा है यार, तेरी आवश्यकता है मेरे को, ये कुछ बताना चाह रहा है मेरे को, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर ये गेट बंद करता हूँ अभी, तो हमें इधर जाना है। तो एक काम कर, यहाँ पर लग ये लेटर चलू कर। किधर गई तब, किधर गई? हाँ और भाई साहब ये तो फेंक के मार रहा है, साला मार देगा ये तो इस समय। तो बेटे बच्चे रुक जा, तेरी माँ का ढेर तेरी, रुक अभी बताता हूँ तेरे को मैं। इधर एक ये सिंबल बना हुआ है, अब तीन सिंबल तो हमने ढूंढ ली, एक और ढूंढना है बस। चलो चलते हैं आगे की ओर, नीचे उतरते हैं मतलब, फिर आगे चलेंगे ना। हाँ यहाँ पर सीढ़ी लगानी है अब हमको। लास्ट सिंबल, लास्ट कहाँ है, लास्ट भी तो होने चाहिए कुछ हमारी आँखों के सामने, मेरे हिसाब से मुझे दिख नहीं रही। एक यहाँ पर है, ये हमें याद कर लेना चाहिए। एक चोकोर है, एक और एकदम इसको लगाते हैं और सीढ़ी को वहाँ पर पहुँचाते हैं। रुक जाओ, ये पहुँचाया यहाँ पर, रोक दे। हाँ थोड़ी सी पीछे आएगी वो, ये आप आई नहीं सही जगह पे, तो हमें ऊपर चलना चाहिए। और यहाँ पर पैटर्न लगा हुआ है भाई साहब, लॉक हुआ है हमको। एक दो तीन नहीं, एक दो और तीन हो चुके हैं। एक और कहाँ पर है तो मुझे पता नहीं चल रहा है, एक और कहाँ पर है। तो आपको अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई साहब। ये नीचे ये और हमें दिख नहीं रहा है, तो भाई लोग इसको करते हैं कंप्लीट, देखते हैं इसके अंदर और क्या हुआ है। यहाँ पर दो बुक पड़ी हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। छूटना, अरे छूट जा भाई साहब। यहाँ पर कुछ मंत्र अंत्र की किताब, ओहो ये वाला सिंबल है एक, तो हमें चारों सिंबल को वहाँ पर लगाना है और हमारा गेट आराम से खुल जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर की तरफ। लोग मैंने काफ़ी देर घुमा चुका हूँ इसको, और काफ़ी देर मैंने पजल भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या क्या लगने वाला है। तो ये इसमें चौकोर था है ना, हाँ तो इसमें चौकोर करते हैं हम। और क्या था इसमें, बच्चे तेरी माँ का टू भक नीचे भक, साले तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इसमें ये था, हाँ भाई तो खुल गया गेट यार, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसे खुल जाएगा। वो हमारा रोबोट किधर गया वैसे,
ये क्या बोल रहा है, अरे पटर पटर मत बोल। ओ भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो आप कितने खतरनाक खतरनाक ये फेस लगे हुए, लग रहा है ऐसे यहीं पर खजाएगा भैया। बिल्ली यहाँ पर रहती है और आगे की तरफ एक कैमरा लगा हुआ है। तो भाई लोग अभी लग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ब्रो, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब उसने हमें फेंक दिया है, अभी तो बच्चे ने धक्का मार के फेंक दिया साले बच्चे, तेरी माँ का, रुक जा तेरे को बताता हूँ। यहाँ पर लीवर नहीं है, अरे लीवर नहीं है तो हम तो यहाँ पर फंस चुके हैं साला। यहाँ पर कुछ पेंटिंग एंटिंग रूम है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक कैमरा है क्या? हाँ पुराने ज़माने का कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर हम तो नई सदी में जी रहे हैं, यहाँ पर पुराना कैमरा कहाँ से आया? ओ ये रिसर्च सेंटर है और ये रिसर्च सेंटर बहुत पुराना बना हुआ है, तो यहाँ पर कैमरा अभी सब पुराना होगा, मुझे भूलना नहीं चाहिए। इसको यहाँ पर लगाते हैं इस रील को और इसमें इसको, ओ भाई साहब ये देख रहे हो आप यहाँ पर सब सुधर चुका है, ये लीवर भी सुधर चुका है, ये भी सब पेंटिंग एंटिंग सब सुधर चुकी है अब। और मैं इसके बाहर से अगर देखूँ तो ओ माइक सब बिगड़ा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो तुम? अगर मैं इससे अगर फ़ोटो खींचूँगा शायद सब सुधर जाएगा, खींच के देखता हूँ। मैंने खींच ली एक फ़ोटो, लेके चलते हैं इसको आगे की तरफ। भाई साहब ये बच्चा सब दूर जाता है, ये सब फ़ोटो धुल नहीं रही यार साली, क्या करना पड़ेगा धोने के लिए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा फ़ोटो क्यों नहीं धुल रही है। कुछ ना कुछ तो हमें करना है इसके साथ, डायरेक्ट लगा दूँगा इसमें। हाँ यहाँ पर लगाता हूँ, शायद धुल चुकी होगी, दो एक दिन धो लिया मैंने, कुछ भी नहीं सुधरा भाई लोग, क्या करना है मेरे को पता नहीं चल रहा है अब। तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या करना है मेरे को। और यहाँ पर क्या है भाई साहब, फ़ोटो कहाँ गई मेरी? एक और दान खींचनी पड़ेगी मेरे को, नो फिल्म, तो वो तो मेरे को पता है भाई साहब। रुक जाए जरा मैं फिल्म लेके आता हूँ, रील फिल्म, वो अपने पुराने में है ना ये रील डलती थी, किधर गई? यहाँ पर हिट नहीं रही है वो डबल से, अब क्या करना पड़ेगा यार? शायद मेरे पास एक ही मौका था, वो मैंने खो दिया यार। तो कुछ फ़ोटो खींची हुई है, शायद ये फ़ोटो खींची किसने साले ने, मतलब पहले से यहाँ पर कोई लाया था क्या इस बच्चे को? ओ अब हमने खींच ली एक फ़ोटो, इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ। अब इसको अच्छे से धोएंगे हम, अब ये गेट लगाएंगे धोएंगे हम आराम से एकदम, कोई देखेंगे नहीं हम। ओ भाई साहब ये गेट लगाना था क्या जब से? मेरे को पता ही नहीं था कि गेट भी लगाना है। तो फिल्म अब अच्छे से धुल चुकी है, इसको मेरे डाल दिया है मैंने, और यहाँ पर डालने के बाद कुछ अजीब से सॉल्यूशन हो रहा है और ये पेंटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो मुझे, ओ भाई साहब ये देख रहे हो आप पूरा यहाँ पर से मेरे को सब बेकार दिख रहा था, अब बेकार दिखने लगा, मतलब हम कैमरे में देख रहे हैं ना तो अब बेकार हमें दिख रहा है, देख रहे हो आप? इसके अंदर हम देखेंगे ना तो ये बेकार दिखेगा, ये देखो मतलब सुधरेल बेकार दिखता है, बेकार सुधरेल दिखता है। अब हमें इस लीवर की फ़ोटो खींचनी है तो ये सुधर जाएगा, ये खींची हमने फ़ोटो। और चलिए चलते हैं हम इसको फिल्म को लेके धोते हैं पहले गेट लगा के, मुझे पता नहीं था गेट लगाना रहता है यहाँ पर। और चलते हैं जल्दी से ऊपर, लेटर चल लू कर, बच्चे तेरी माँ का इससे फेंक दूंगा तेरे को, तू बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। इसकी माँ मेरी माँ है पर कुछ कह नहीं सकते हम, चलते हैं आगे। वैसे हम ज़्यादा कुछ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी फिल्म धुल चुकी है मतलब हमारा लीवर सही हो चुका होगा, ये खींचा लीवर और ये आ गई हमारी लेडर नीचे। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर, भाई साहब मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करना होगा मुझे? इट पता नहीं भाई साहब, मेरे को लगता है कि मैं अभी यहाँ पर फंस चुका हूँ क्योंकि मैंने गेम प्ले देखा था उसमें ऊपर चढ़ने का सिंबल आ रहा था, मैं इस पर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये गाना बंद नहीं हो रहा है, तो मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। और हम यहाँ पर फंस चुके हैं तो उसका सोल्यूशन मैं अब लेके आऊँगा, साथ कुछ ग्लिच विलिच है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ब्रो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।